अस्सलाम वालेकुम एस्पेरेंट्स, नया बस है। आज की वीडियो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन पे होगी एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट शुड बी डेल्ट विद कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए क्या क्राइटेरियन होते हैं जिन्हें पॉन्डर करना चाहिए। आई थिंक द फर्स्ट स्टेज इन सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ टू गो थ्रू द सिलेबाई ऑफ FPSC। आप जब कंपलसरी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली तैयार कर लेते हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं तो आपका नॉलेज पहले इतना ज़्यादा होता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है मुझे उसमें से कुछ टॉपिक्स आते हैं या नहीं आते। इफ़ यू फील कि मुझे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं और मैं इन्हें अच्छा डील कर सकता हूँ तो यही सबसे पहला और बेसिक क्राइटेरिया होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने का कि आपको लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस खोला और आपको लगता है कि ये जो वेस्टर्न फिलासफर्स हैं या ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये मुझे आते हैं और मैंने अपनी डिग्री के दौरान पढ़े थे, या फिर मैंने जब कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी की तो मुझे इन सब्जेक्ट्स का पे प्रॉपर अबूर था या इन टॉपिक्स पर प्रॉपर अबूर था, तो फिर आप ऐसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की तरफ जाएँ भी और इस तरह आप जो है वो सिलेक्शन करें। पेपर में ये कंसिडर करना कि मेरी डिग्री ये थी इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को रखना है, तो ये एक बहुत इमेच्योर सी अप्रोच है। क्योंकि अगर मैंने BS ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में और मुझे इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं करना आ रहा या मेरे पास पेपर्स को देखकर मैं एनालाइज करती हूँ कि नो दिस पेपर इज़ नॉट फॉर मी, तो इस तरह के सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट कर लेना आपके लिए डिजास्ट्रस होगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आप FPSC की वेबसाइट पर गिवन सिलेबस में प्रॉपरली देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रॉपर टॉपिक्स आपको आते हैं और आप उन टॉपिक्स पे अपना वाइड एनालिसिस, अपना वाइड ओपिनियन जो है वो एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंडली, ये एस्पिरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैडम मेरी डिग्री ये है, मैंने MSc की है इसमें और मैंने MA किया है इसमें, मैंने BS किया, तो आप मुझे सजेस्ट कर दें कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। मैं आई डोंट नॉट नो अबाउट योर इंटरेस्ट कैपेबिलिटीज़, मैं तो नहीं जानती कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और इट डिपेंड्स सोनली ऑन योर स्ट्रेंथ कि आप किस सब्जेक्ट को कितना अच्छा डील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा डील कर सकता हूँ और ये सब्जेक्ट इस तरह का है कि अगर मुझे इस पर किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाए और तो मैं इंक्वायरी क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसी सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल चूज़ करें। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे लिटरेचर है, जैसे मैथमेटिक्स है, ये सब्जेक्ट्स या तो आपको कोई मार्क्स नहीं देते या फिर आपको जब देने भी आए तो बहुत मार्क्स देते हैं। मैथमेटिक्स खास तौर पे, अगर आप, मेरा एक स्टूडेंट मुझसे आजकल पूछ रहा था कि मैडम मैंने मैथमेटिक्स किया है तो मैं मैथमेटिक्स रख लूँ या स्टैटिस्टिक्स रख लूँ, ही इज़ मनी फ्रॉम कराची, तो मैंने उसे कहा कि मैथमेटिक्स को ऑप्ट करना या स्टैटिस्टिक्स को ऑप्ट करना ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको लगता है कि मुझे पेपर आता है, मुझे आपको पास्ट पेपर्स को देख के लगता है कि येस आई नो वेरी वेल कि मुझे कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट करना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं अगर उन एरियाज पे फोकस करके तैयारी करूंगा तो हो जाएगा, तो फिर बेटा आप ज़रूर रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर सकता तो फिर बिल्कुल भी नहीं रखो। और आपको भी यही एडवाइस है कि आप अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जिसमें आपकी प्रॉपर डिग्री हो और आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स आम एस्पिरेंट्स चूज़ नहीं करते या मेजोरिटी चूज़ नहीं करते, तो आई वुड बी इन माइनॉरिटी और मैं जो है वो इसे चूज़ करूँ। तो अगर आपका आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कैपेबिलिटी है, तो डू गो फॉर इट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है या नहीं किया। पाकिस्तान में एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम यही है और आई फील के ज़्यादातर यही है कि वो उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो वो समझते हैं कि किसी CSP ने रखे थे, यानी 2020 में जिन CSPs ने जो जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स का रुझान उनकी तरफ हो रहा है। जैसे मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री रख ली तो लोगों को लग रहा है कि येस वी शुड गो फॉर ब्रिटिश हिस्ट्री। ये एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखना है कि हम जब क्या क्या बेहतर कर रहे हैं। थर्डली, आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें। सिलेबस को आपने एनालाइज कर लिया, आपने डिग्री के ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स देख लिए, थर्डली आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें प्रॉपर 10 से 15 से 20 सालों के, जितने सालों के आपको अवेलेबल हों उतने ईयर्स के आप पास्ट पेपर्स को गौर से देखें और अंदाज़ा करें कि क्या जो क्वेश्चन एग्जामिनर देता है उसकी डायमेंशन को समझना और ऐसी सिमिलर डायमेंशंस अगर आ जाएं तो उन्हें डील करना आसान होगा या नहीं होगा। एंड इफ़ यू फील कि हाँ इन डायमेंशंस को मैं डील कर सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ,
फिर आपको वही सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। कोई शख्स आपको एडवाइस नहीं कर सकता कि आप क्रिमिनोलॉजी रख लें या सोशियोलॉजी रख लें, ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ पे और आप इन तीन क्राइटेरियन पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह सिलेक्शन करते हैं। आई होप कि आप 2022 में बहुत समझदारी से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको अगर देने पे आए तो बहुत मार्क्स देते हैं, और उससे आपका नीचे वाले ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप्स में आना भी आसान हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी एलोकेशन ना हुई हो, मतलब आपके कंपलसरी में इतने मार्क्स हों कि आपके एलोकेशन की कोई चांसेस ना हो, तो इस स्टेज पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मार्क्स के ऊपर नीचे होने से आप एलोकेट हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ रिटन क्वालिफाई करना यही आपकी एक्सपर्टीज़ में नहीं शामिल है। आपके यहाँ आपका डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ आपकी मंजिल ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आपने आगे इंटरव्यू का प्रोसेस, साइकोलॉजिकल का और मेडिकल का प्रोसेस भी क्लियर करना होता है। और साइकोलॉजिकल मेडिकल तो हो ही जाता है, लेकिन इंटरव्यू इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग। तो कोशिश करें कि इंटरव्यू के बाद जब आपका इंटरव्यू का और रिटन का एग्रीगेट बने तो वो इतना अच्छा ज़रूर हो कि आपकी एलोकेशन हो जाए। और इसके साथ साथ किसी के कहने पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी चूज़ नहीं करना चाहिए। आपको थ्री बेसिक स्टेप्स को देखना चाहिए कि क्या ये ओवरलैपिंग है मेरी डिग्री के साथ या नहीं है। अगर तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी डिग्री के साथ ओवरलैपिंग नहीं है तो आप रख नहीं सकते, आप रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पास पेपर्स का या फिर FPSC के दिए गए सिलेबस का अंदाज़ा होना चाहिए कि मुझे इन सब्जेक्ट्स पर जो है वो मुझे पता है। जैसे IR में रियलिज्म की थ्योरी है, नियर रियलिज्म की थ्योरी है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट थ्योरीज हैं, वॉर के कंसेप्ट हैं, पीस के कंसेप्ट हैं, ट्रीटीज़ हैं, इस तरह इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, ट्रीटीज़ हैं, सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, वेदर इट इज़ अ ट्रू लॉ और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न फिलासफर्स हैं, मुस्लिम फिलासफर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं, और स्टेट, नेशन, सवरेनिटी, ये सब टॉपिक्स हैं। तो पहले टॉपिक्स को कंसिडर करें कि क्या ये टॉपिक्स मेरे इंटरेस्ट के हैं, और अगर इन टॉपिक्स में कोई भी डायमेंशन दे दिए तो क्या मैं स्टेटमेंट को या क्वेश्चन को प्रॉपरली डील कर सकता हूँ, प्रॉपरली आंसर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और उसमें अपना एनालिसिस लिख सकता हूँ या नहीं। इस तरह के सवालात के जवाबात जब आपको मिल जाएं और आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्ट भी रखता हूँ और मैं कर भी सकता हूँ, फिर आप उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें और उन पर फिर प्रॉपरली राइट डायरेक्शन में काम करें। यही आपकी की टू सक्सेस है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।